वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड BTS के सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किम नामजून, हमारे लीडर RM की आइडल टाइप के बारे में कि उनको कैसी लड़कियां पसंद है एंड वो इन फ्यूचर कैसी लड़की को प्रेफर करना चाहेंगे। सो ये वीडियो होने वाली है Part 3, क्योंकि इससे पहले मैंने Part 1 एंड Part 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था एंड उस पर मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि दी Part 3 लेके आने को। सो स्पेशली मैंने ये वीडियो उनके लिए लेके आई हूँ, बट अगर आपके भी बायस RM है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारे लीडर को कैसी लड़कियाँ पसंद है। सो सबसे पहले तो अगर आपने 1 एंड 2 पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप वो पार्ट जरूर देखो, क्योंकि उन पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि RM कैसी लड़की को प्रेफर करेंगे एंड वो किसी आर्मी को या किसी इंडियन गर्ल को डेट कर सकते हैं या नहीं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ईजिली वो पार्ट्स भी देख सकते हो। सो ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे RM कितने ज़्यादा स्मार्ट है, सो इसी से रिलेटेड RM ने ये चीज़ बोला कि वो गर्ल स्मार्ट एंड फेमिनिन स्टाइल की होनी चाहिए। सो नेक्स्ट RM ने शेयर करा कि वो थोड़ी सी फ्लर्टी एंड फ्रेंडली एंड काम गर्ल होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन को कामली हैंडल कर सके एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो सेक्सी ब्रेन की होनी चाहिए। सो ये बात तो RM को ही पता होगी कि सेक्सी ब्रेन कैसा होता है। ओके सो एनीवेज नेक्स्ट वन इज, सो नेक्स्ट RM ने शेयर करा कि वो गर्ल हमेशा मेरे साथ कोई भी मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करे, वो मेरे साथ कभी भी बोर फील ना करे, वो हमेशा एक छोटे से भी मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करे मेरे साथ। सो दोस्तों हमारे RM जो कि इतने ज़्यादा रिलैक्स हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड क्यूट है, सो आई डोंट नो कोई ऐसी लड़की होगी जो RM के साथ बोर फील करेगी एंड उनके साथ कोई मोमेंट इन्जॉय नहीं करवेगी। सो मे बी ऐसी तो कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट नो RM ने ऐसा क्यों कहा। ओके एनीवे सो आगे बढ़ते हम। सो नेक्स्ट RM ने शेयर करा कि वो गर्ल मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी दे, ये नहीं कि ऑल टाइम वो मेरे साथ ही रहे एंड हमेशा मेरी चीज़ों में इंटरफेयर करे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए एक पर्सनल स्पेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड साथ ही वो मेरे म्यूज़िक के रिस्पेक्ट करे एंड मेरे म्यूज़िक को पसंद करे, मैं जो भी म्यूज़िक बनाऊँ उसको वो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट वन इज, सो नेक्स्ट RM ने शेयर करा कि वो गर्ल मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बात करे, I mean कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करे और ज़्यादा लाउड आवाज़ में बात ना करे, बहुत ही स्वीट वॉइस में बात करे एंड वो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करे एंड वो मेरे साथ हमेशा शॉपिंग पर जाए। मे बी RM की वाइफ बहुत ही ज़्यादा लक्की होने वाली है कि उनको RM जैसे इतने ज़्यादा स्वीट पर्सन मिलेंगे। ओके एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे RM कितने ज़्यादा काइंड है, सो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गर्ल बिल्कुल भी काइंड ना हो। सो इसी से रिलेटेड ये चीज़ RM ने शेयर करा कि वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा काइंड होनी चाहिए एंड वो गर्ल हमेशा अपने से पहले दूसरों के भी बारे में सोचे, लाइक अगर किसी और को किसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो वो उस चीज़ को छोड़ दे। सो दोस्तों ऐसा तो एक बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान ही कर सकता है, जैसे कि हमारे RM है। सो नेक्स्ट RM ने शेयर करा कि मैं ऐसी गर्ल को डेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा जो ज़्यादा फेमस ना हो, वो नॉर्मल गर्ल हो। सो ये चीज़ तो BTS के सभी मेंबर ने शेयर करा कि उनको एक नॉर्मल गर्ल चाहिए, ना ही कोई फेमस गर्ल। एंड RM ने शेयर करा कि मैं एक ऐसी गर्ल से शादी करना पसंद करूँगा जो कि मेरे से ट्रू लव करती होगी। एंड साथ ही RM ने एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में शेयर करा कि मैं चाहता हूँ कि वो गर्ल हमेशा मेरे साथ मूवी देखना पसंद करे एंड मेरे साथ ही खाना खाए, हम दोनों साथ में मूवी देखें एंड खाना खाए एंड उसके बाद हम दोनों साथ ही में वॉक पर भी जाए। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगता है मे बी।
एंड साथ ही रोमांटिक वे की बात हो रही है तो आर्यन ने एक और चीज़ शेयर करा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर के साथ मैचिंग क्लोथ्स पहनना पसंद करूँ। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है क्योंकि कोरिया में ज़्यादातर कपल जब डेट पर जाते हैं तो वो मैचिंग कपड़े ही पहन कर जाते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी कुछ टाइम पहले ये चला था कि जो लड़के होते थे वो किंग वाला एंड उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती थी वो क्वीन वाले क्लोथ्स पहनती थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। सो आर्यन ने भी शेयर करा कि वो भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ। सो नेक्स्ट आर्यन ने शेयर करा कि उनको फ्यूचर में 3 बच्चे चाहिए, 3 किड्स, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ओके सो नेक्स्ट वन इज, सो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हमारे आर्यन को कुकिंग नहीं आती है, वो कुकिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो इसी से रिलेटेड आर्यन ने ये चीज़ शेयर करा कि मैं चाहता हूँ जो भी कल मेरी फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बने या फिर वाइफ बने तो उसको कुकिंग तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए, क्योंकि जब आर्यन को भी नहीं आती है एंड उस गर्ल को भी नहीं आएगी तो कुक कौन करेगा। सो इसी से रिलेटेड आर्यन ने ये चीज़ बोला, उसको कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए ताकि वो मुझे बहुत टेस्टी खाना बनाकर खिला सके। एंड आर्यन ने शेयर करा कि वो 32 या फिर 33 की एज में शादी करेंगे, क्योंकि बिग हिट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अभी तो कोई भी बीटीएस मेंबर किसी को डेट या फिर शादी पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। सो मे बी बीटीएस के सभी मेंबर, हो सकता है कि बिग हिट का कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाए तब शादी या फिर डेटिंग के बारे में सोचे या फिर उसी के ही बात करें, क्योंकि जब तक BTS बिग हिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक BTS किसी से शादी तो क्या किसी के साथ पब्लिकली डेट भी नहीं कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, तो ये थी कुछ चीज़ें जो आर्यन अपनी आइडल टाइप में चाहते हैं, जो उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो। सो आपने अगर 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि जल्दी से जाकर वो पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उस पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है एंड मैंने ये भी बताया कि आर्यन किसी आर्मी को डेट करेंगे या नहीं या फिर किसी इंडियन गर्ल को डेट करेंगे या नहीं। सो वो पार्ट बिल्कुल भी मत भूलना देखना। एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना एंड हमारी प्यारी सी फैमिली के मेम्बर बन जाना। एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस। अपना और अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखना। ओके okay?